जनरल सुबेग सिंह आए सी बड़िया बड़िया तोपा लै के बड़े बड़े टैंक लै के अद्धे घंटे से दबड़ दूक करके वह मारना। तेरे को होया कि पूरी दुनिया तक याद करे। जनरल सुबेग सिंह की वीडियो है, हिस्टोरिकल वीडियो है, बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। खैर पहले आप वीडियो देखने हैं, फिर आप गलबात कर रहे हैं। I think the army misled Mrs. Gandhi in assuring her that the operation would be over in a couple of hours, or perhaps never take place if the show of arms, Bhindranwale would surrender. Well, he didn't. He fought back like a tiger. सत श्री अकाल जी, तुहाडा सब दा एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट पंजाब उते। दोस्तों, जून महीना जां कह लो शहीदियां वाला महीना, इसे ही महीने साडे महान शहीद जरनैलां ने धर्म की खातर, अणख की खातर अते साडी होंद लई 1984 दे तीजे घल्लूघारे विच अपनियां शहादतां दित्तियां। इस 84 की घटना नूं वापरे भावें लगभग 4 दहाके हो गए हन, पर उस समय की सरकार ने जो जख्म दरबार साहिब ते हमला करके सानू दित्ते वह हाले भी अले हैं। दोस्तों, इसे घटना का जिक्र लवली नूर ते रणजीत बावे वालों अपने गीत किन्ने आए किन्ने गए 3 विच भी किया गया है। इस गीत का पहला अंतरा पूरी तरह जून 1984 की घटना को संबोधित है। अज जिस हालातों विचों पंजाब गुजर रहा, सानू इहो जिहे गीतां दी लोड़ तो भी ज़्यादा जरूरत है। अजिहे गीत साडी कौम नू पाणी दे मसले, मां बोली ते हो रहे हमले अते साडियां गिर चुकियां सरकारां दे भेतां तो पर्दा चुकण दा काम करदे हन। दोस्तों, ये साडी वीडियो दा पहला भाग है जिस विच असीं किन्ने आए किन्ने गए गीत दे पहले अंतरे जो 1984 नाल संबंधित है उस उपर वीडियो लैके आए हाँ। अज की वीडियो विच गल करांगे कि जिथे इंदिरा गांधी अते उसदे अफसर कहिंदे सन कि असी 2 घंटे विच भिंडरांवाले संतां अते उन्हां दे साथियां नूं फड़ के बाहर लै आवांगे, उत्थे ही सिंघां ने 6 दिन तक किवें उन्हां नूं मूंह तोड़ जवाब दित्ते, किवें वड्डे वड्डे अफसरां दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई, इस सब बारे असी वीडियो दे अगे गल करांगे। अंधेरे में पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आम तौर पे फौज में भी नहीं देखी। सिंघां दी मोर्चाबंदी ने सरकार दी सीआईडी नूं भी फेल कर दिता सी। इस सारी मोर्चाबंदी दा मास्टरमाइंड सी गोरीला वार दा एक्सपर्ट मेजर जनरल सुबेग सिंह, जिन्हां ने 1971 दी पाकिस्तानी जंग विच 93,000 पाकिस्तानी फौजां दे गोडे लवा दित्ते सन। वीडियो दे अगे उन्हां दे मुंडले जीवन, फौज विच कीते कारनामियां ते दरबार साहिब विच कीती मोर्चाबंदी बारे गल करांगे। सो हुण बिना समां बर्बाद कीते वीडियो शुरू करदे हाँ। मेजर जनरल सुबेग सिंह जी का जन्म 1925 ईस्वी नूं अमृतसर साहिब दे इक पिंड ख्याला कलां विच होया। सुबेग सिंह एक किसान परिवार तो सन अते उन्हां दे पिता कोल लगभग 100 एकड़ जमीन सी। सुबेग सिंह अते उन्हां दे बाकी भैण भरावां दा पालण पोषण बहुत वधिया होया। सुबेग सिंह जी ने अपनी मुढ़ली पढ़ाई अपने पिंड तों अते अगे दी पढ़ाई खालसा कॉलेज अमृतसर तों कीती। उच्च विद्या लई सुबेग सिंह लाहौर कॉलेज चले गए, जिथे वह एक उच्च कोटी दे अथलीट भी रहे। सुबेग सिंह शुरू तो ही शारीरिक अते दिमागी तौर पर बहुत तेज सन। सुबेग सिंह शुरू तो ही फौज विच भर्ती होना चाहते सन। 1941 जदों अंग्रेज़ हुकूमत ने लाहौर कॉलेज में पढ़ते विद्यार्थियों विचों फौजी अफसर चुन का पेपर लिया तो पूरे कॉलेज विचों सिर्फ सुबेग सिंह जी की ट्रेनिंग लई सिलेक्शन हुई अते वह सिर्फ 17 साल की उम्र में सैकंड लैफ्टीनेंट वजों भर्ती हो गए। उस समय दौरान ही वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। भर्ती होंदया ही उन्हां दी ड्यूटी सैकंड वर्ल्ड वार दौरान वर्मा में लग गई, जिथे जापान की फौज नाल उन्हां दा टाकरा होना सी। 3 साल लगातार वह वर्ल्ड वार 2 विच ब्रिटिश भारतीय फौज वल्लों लड़े। 1947 की भारत पाकिस्तान वंड वेले भारतीय सेना का पुनर्गठन होया अते जनरल सुबेग सिंह जी नूं 50 पैरासूट बटालियन सौंपी गई। इतिहास अज भी इस गल की हामी भरता है कि जब भी भारत की आज़ादी तो बाद जिन्नियां भी जंगा हुई, सुबेग सिंह ने इन जंगा विच अपनी सूझबूझ अते बहादरी का सबूत दिता। चाहे गल करिए 1962 की इंडो चाइना वार या 1965 अते 1971 की इंडो पाक वार, 1965 की जंग विच बहादरी के कारण सुबेग सिंह नूं लैफ्टीनेंट कर्नल तो सीधा ही ब्रिगेडियर बना दिता गया। हालांकि लैफ्टीनेंट कर्नल तो बाद अगला अहुदा कर्नल का हुंदा है अते फिर ब्रिगेडियर का,
पूरी भारतीय फौज में यह माण कला शाह बेग सिंह प्राप्त होया कि वह लैफ्टिनेंट कर्नल तो सीधा ब्रिगेडियर बनया। 1971 की जंग में किए कारनाम्या करके शाह बेग सिंह जी पूरी दुनिया जानती है। जदों शाह बेग सिंह ने पूर्वी पाकिस्तान जिसनों असी बंगलादेश के नाम जानते हाँ पाकिस्तानी फौज तो आजाद करवाया सी। उस वक्त पाकिस्तानी फौज बंगलादेशियों पर कहर ढा रही सी। उस समय भारतीय सरकार ने शबेग सिंह जी की बंगलादेश आज़ाद कराने की ड्यूटी लाई क्योंकि ब्रिगेडियर शबेग सिंह उस वेले वर्ल्ड के गोरीला वार के सब तो वड्डे एक्सपर्ट सन। शबेग सिंह जी के बेटे अनुसार यह एक सीक्रेट मिशन सी जिसका नाम सी मुक्ति बहनी। इस मिशन दौरान शबेग सिंह ने अपना भेस बदल लिया सी अते दाढ़ी केस कटा के एक बंगाली बन के बंगलादेश के अंदर ही आम इंसान की तरह रहन लगे। इत्थे वो बंगलादेश के नागरिकों को गरीला वार की सिखलाई देंदे। दोस्तों इत्थे तुहानू दस दईए कि शबेग सिंह सत्त भाषावां तो जाणू सन जिन्हां दे नाम तुसी स्क्रीन उपर भी देख सकते हो। शबेग सिंह जी की सिखलाई दिते बंगाली विद्रोहियों ने पाकिस्तानी फौज का लक तोड़ दिता अते भारतीय फौज अगे फिर वो बहुता चिर ना टिक सके। 16 दसंबर 1971 नूं 93,000 पाकिस्तान फौजियों ने गोडे टेक दिते अते बंगलादेश लिबरेशन युद्ध का अंत होया। शबेग सिंह नूं अति विशिष्ट सेवा मैडल अते परम विशिष्ट सेवा मैडल नाल सन्मानित भी किया गया। हुण दसदे हाँ कि जिस देश की खातर शबेग सिंह लगातार 34 साल लड़दा रहा किवें उसने शबेग सिंह नूं धोखा दिता। असल में शबेग सिंह जी सही नूं सही अते गलत नूं गलत कहण वाले इंसान सन। जदों इंदिरा गांधी ने एक बार उन्हां नूं कोई गुप्त ऑपरेशन करन लई कहा तां शबेग सिंह ने इस नूं नजायज दस के ना कर दित्ती जिस नाल उह सरकार दीआं अक्खां 'च रड़कण लगे। तजर्बे अते सीनियर होण कारण शबेग सिंह आर्मी दे चीफ बनन वाले ही सन पर सरकार इस तों खुश नहीं सी। इसलिए ही उन्हां उपर झूठे केस लाए गए कि शबेग सिंह ने आर्मी दे समान विच हेराफेरी कीती है। उन्हां दी रिटायरमेंट तो एक दिन पहला ही बिना उन्हां नूं कोई सूचना दित्ते बिना कोर्ट मार्शल तो आर्मी चो डिसमिस कर दिता गया। यह तरीक सी 30 अप्रैल 1976। इस तो बुरा एक इंसान लई की हो सकता है। अपने आप नूं बेकसूर साबित करने लई शबेग सिंह कोर्ट गया। सरकार ने बहुत सारे करप्शन केस पा के शबेग सिंह नूं बदनाम किया पर शबेग सिंह 1984 कोर्ट वल्लों बेकसूर साबित होया। शबेग सिंह बहुत टुट चुकिया सी अते अक्सर ही श्री दरबार साहिब जांदा रहिंदा अते संत जरनैल सिंह जी नूं भी मिलदा रहिंदा क्योंकि शबेग सिंह जी एक सच्चे सुचे इंसान सन तो उन्हां दे विचार भी संतां नाल बिल्कुल मिलदे सन। जदों शबेग सिंह नूं पता लगा कि सरकार श्री दरबार साहिब ते हमला करन वाली है तो उन्होंने संतां कोल रह के सिंघां नूं गरीला वार की सिखलाई देनी शुरू कर दिती। हुण गल करदे हाँ कि जून 1984 नूं फौज अते शबेग सिंह दे सिखाए सिंघां विच किवें टक्कर हुई। वीडियो दे विच अगे दित्ती जाण वाली सारी जानकारी दरबार साहिब ते हमला करन आई फौज दे एक मुखी KS बराड़ ने अपनी किताब विच आप लिखी है। बराड़ का कहना है कि सानू जे किसी का डर सी तां उह साबका मेजर जनरल शबेग सिंह दा सी क्योंकि वह बहुत तेज बुद्धि वाले इंसान सन। साडी CID ने दरबार साहिब नूं घेरा पाउण तों पहलां एक बार अंदर जा के सारी जानकारी लै लई सी पर सानू हाले भी डर सी कि शबेग सिंह कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बराड़ का कहना सी कि असी पहले दिन नूं फायर खोले तां कि असी अंदरों जदों जवाब आवेगा तां पता लगा सकीए कि सिंघां कोल किहड़े हथियार हन। अंदरों जवाबी कार्रवाई विच सिर्फ दनालियां अते देसी 12 बोर गन्ना दीआं गोलियां चलियां। असी बहुत खुश होए कि भिंडरां वाला किहड़े टैंकां दे सिर ते सानूं वंगार रिहा सी पर दूजे पासे शबेग सिंह नूं पहलां ही पता सी कि असी की चैक कर रहे हाँ। इस तरह रोज़ फायरिंग हुंदी रही अते जिन्हां मोर्चिआं दी सानूं रिपोर्ट मिली सी असी उह सारे उड़ा दित्ते। KS बराड़ अपनी किताब विच लिखदा है कि 2 जून रात 10:30 बजे 2,250 जवान अंदर जाण दी तैयार कीते गए। 1,700 जवान कवर फायरिंग लई अपने मोर्चियां दे सन अते मगर बैकअप लई 2,600 जवान तैयार रखे गए। सानू लग रहा सी कि अंदर देसी असला ही है असी झट भिंडरां वाले नू फड़ के बाहर लै आवांगे। जदों साडे जवान अंदर फैल गए तां उह भाणा बरत गया जिसकी सानू खबर भी नहीं सी। इको दम हाहाकार मच गई दिल्ली तक वायरलैस खड़क गए। जवानां दीआं चीकां समान नू पाड़ रहीआं सन कि किसी नू कुछ नहीं पता लग रहा कि की हो रहा। जवानों नूं पता नहीं लग रहा सी कि गोली कित्थों आ रही है। कवर फायरिंग लई बैठे जवानों नूं भी कुछ नहीं सी दिख रहा। फायर इन्ना नेड़ियों आ रहा सी कि साडा बहुता जानी नुकसान होया।
सानू अलर्ट अलार्म बजाना पिया जिवें 1962 की लड़ाई में बजाया गया सी। जवान इन्ने घबरा गए कि वह हथियार सुट के वापस भज आए। साढ़े लिए बहुत शर्म वाली गल सी कि बिना दुश्मन का नुकसान किए असी अपने 2076 जवान गवा ले। बराड़ का कहना सी कि सानू 8 जून वाले दिन पता चलिया जदों साड़ी फौज सरोवर के घेरे में दाखिल हुई कि कंधा विच जमीन तो 3-3 इंच उच्चियां अते 2-2 इंच खुलियां मोरियां कीतियां हुई सन जिन्हां चों फायर आ रहे सी। साढ़े जवान उपर वल गोलियां चलाउंदे रहे हालांकि गोलियां धरती कढ रही सी। बराड़ का कहना है कि मैनू शक सी कि शबीर सिंह हकीकत ते पर्दा जरूर पावेगा अते कोई ना कोई चक्कर भी जरूर रचेगा। शबीर सिंह ने एक अजिहा प्लैन बनाया कि गोलियां सीधियां फौज के लत्तां विच बज रही सन। जेकर कोई फौजी बाहां दे भार रेंग के चलण की कोशिश करता तां वी गोली उसके सिर जां शरीर च बजनी सी, मतलब कि फौज कोल भज्जण तो बिना कोई चारा नहीं सी। बराड़ लिखता है कि फिर असी हैलीकॉप्टर की मदद नाल 912 कमांडोज़ नूं अंदर उतारन की कोशिश की, पर जो कमांडो उतर रहे सन तो फौज ने खाड़कू मोर्चों उपर ऐसी फायरिंग की कि कमांडो नूं उतरन विच कोई मुश्किल ना आए। पर इत्थे भी कुछ होर ही होया। कमांडोआं नूं जवाब देण लई शबीर सिंह ने उच्ची पानी वाली टैंकी अते बुंगियां ते अजिही मोर्चाबंदी की कि मशीन गन्ना दीआं गोलियां अग दी लाट वांगू कमांडोआं ते वज रहीआं सन। एक भी कमांडो थले नहीं उतर पाया अते सारे हवा विच ही मारे गए। सो दोस्तों, ये गल्लां किसी होर ने नहीं सगों दुश्मन ने खुद अपनी किताब विच लिखियां हन कि इन्ना नुकसान साडा पाकिस्तान नाल जंग विच नहीं होया जिन्ना कि 84 वेले होया। बराड़ खुद लिखता है कि जिन्ने भी मुंडे भिंडरां वाले दे नाल सन सारे बहुत ज़्यादा बहादुरी नाल लड़े। सो अजिहे सूरबीर सन मेजर जनरल शबीर सिंह जिन्हां दी मोर्चाबंदी की दुश्मन खुद तारीफ करते सन। अंत अन्नेवाह चलती गोली विच शबीर सिंह भी 5 जून की रात में शहीद हो गए। शहीद होने समय भी शबीर सिंह ने संतां नूं कहा सी कि अरदास करियो कि जेकर मैं दोबारा पैदा होवां तां मैनूं फिर यही धरती नसीब होवे। सो यही कहानी शहीद मेजर जनरल शबीर सिंह जी की। जेकर वीडियो वधिया लगी तो वीडियो नूं लाइक अते वध तों वध शेयर जरूर करना तां जो हर एक इंसान नूं शबीर सिंह जी की शहीदी अते उन्हां दे जीवन बारे पता लग सके। श्री दरबार साहिब आए सी बड़िया बड़िया टैंक ते बड़े बड़े तोप लै के बड़िया फौजा लै के हैं ते फिर जनरल शबीर सिंह ने फिर कैसा जवाब दिता। अद्धे घंटे आए सी कि अद्धे घंटे के हर शाही खत्म कर देनी, हर चीज असी मिलिया मेट कर देनी। तो फिर जनरल शबीर सिंह ने फिर कैसा जवाब दिता कि रेंदी दुनिया तक याद करनगे। वैसे तुहानूं मैं सही गल दसा, एक वीडियो देख के ना जनरल शबीर सिंह की मतलब कि बहादुरी दी भी किस तरह उन्हें 71 की जंग लड़ी किदा फिर उन्हें 1984 के शो किया। वैसे दलेर बंदा सीगा भी दलेर क्यों आना हो, अच्छा दलेर क्यों आना हो। अच्छा एक होर गल कि जिहड़ा बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले नाल मिलिया ना, वह बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले दा रह के हो गया। मतलब कि जिहड़ा जिहड़ा बंदा बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले नूं जिहड़ा मिलिया जिहड़ा जा के उहदे कोल गया ना एक दफा, वह बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले दा हो गया। क्योंकि ऐसा संत सीगा कि जिदा जनरल शबीर सिंह बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले उह गया वै ते भिंडरांवाले दा हो के रह गया। तो बाकी यार एक बहादुर सीगा, एक दलेर सीगा। दलेर क्यों होना, क्योंकि बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला खुद बड़ा वड्डा दलेर बंदा सीगा। उन्हें भी यही कहा सीगा कि जिउंदे नूं नहीं फड़ सकदे, मरे नूं जिथे मर्जी लाइओ मिट्टी है ना, मिट्टी नूं जो मर्जी कर लो। तो बाकी असल अच्छा लास्ट दे गल की है, जनरल शबीर सिंह ने मैसेज की दिता, मैसेज उन्हें यही दिता बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ने की मैसेज दिता कि जितया कौन है। असल गल इत्थे आ के मुकदी, जो मैं अपने मुसलमानियत दे नज़र विच जो मैं समझना कि जितया कौन है, जंग जित जाना जंग हार जाना यह कोई कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी की है, गल तो इत्थे आ के मुकदी है, ये दसो मैं ज़रा असल कामयाबी की है। असल कामयाबी है गुरु गोबिंद सिंह जी का मैसेज यह है कि भावें तुहाडी जान जांदी है जावे, भावें तुहाडा माल जांदा जावे, भावें तुहाडी औलाद जांदी जावे, लेकिन तुसीं हक का साथ नहीं छड़ना, हक ते रहोगे, इहो ही कामयाबी है। तुसीं मैनूं आ दसो हक ते हैगा सी कि नहीं सी हैगा, मतलब कि वह सच दे नाल है सी कि नहीं सी हैगा। मैं मुसलमान हाँ, मैं तो बिल्कुल सही गल करांगा, भावें किसी चंगी लग भावें किसी चंगी गल लगती लगे नहीं लगती तो ना लगे। तो असल गल है कि जित कि हुई, इन्होंने बड़ा बदनाम करके सुटता, करप्शन का केस पारता,
कि जनरल सुभेग सिंह इदा ही मर मुर जाएगा, सिख जो सी ना फिर इदा ही हो जाएगा, क्योंकि ईमानदार बंदा सीगा। ईमानदार बंदे नूं दो नंबर सिस्टम उदा ही नहीं पसंद करता। यह चीज़ नूं दसन दो नंबर सिस्टम के खिलाफ आया से बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंड वाला। लेकिन इन्हें तो गल की हुई कि जित कि हुई है, जित हुई तो हक की हुई है बस। बाकी एक जोश आया, एक उसकी बहादुरी के उत्ते, जनरल सुभेग सिंह की बहादुरी के उत्ते एक जज्बा महसूस होया। तो बाकी जो मैं अपनी मुसलमानी दी नज़र में जो मैं समझना सी वो तुहानूं दस्सिया। बाकी तुहाडा की ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुसीं कमेंट बॉक्स लाजमी दसो।